अंधेरे में। आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का नाट्य रूपांतर। मुक्तिबोध की इस कविता की उम्र अब 50 साल से अधिक हो गई है, लेकिन इसकी चर्चा और इसका आकर्षण अब भी बना हुआ है। कुछ लोगों को ये कविता कई मायने में एक गूढ़ कविता लगती है और कुछ को सत्ता तंत्र और जनवादी मूल्यों के बीच का अंतर्द्वंद्व। चाहे जो भी हो, इस कविता के भीतर की गूंज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए हमने इसे नाटक का रूप दिया है। तो आइए सुनिए मुक्तिबोध की इसी शीर्षक से लिखी गई कविता पर केंद्रित ये नाटक अंधेरे में। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार, वो नहीं दिखता नहीं दिखता, किंतु वो रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक कोई एक। कितना 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 अंधेरा घेराया है, ये अंधेरा भयावह है, डरा रहा है मुझे। और कोई एक लगातार चक्कर लगा रहा है, लगातार इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उसके पैरों की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही है। हाँ, वो शायद किसी को दबोच लेने की चालाक फिक्र में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। कौन है, कौन है, कौन है जिसके होने की आहट सुनाई तो दे रही है पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या, दीवार से पपड़ियां गिर रही हैं, रेत गिर रही है। मैं देख रहा हूं मैं, अंधेरा है तो क्या, मुझे पता चल रहा है कि तुम कुछ बुदबुदा रहे हो। कौन हो तुम, पहचान क्यों नहीं पा रहा मैं तुम्हें मनु? मनु, अरे हाँ, मनु, ये अंधेरा भी अजीब है। अंधेरे के इस तिलिस्म में कुछ भी तो पता नहीं चलता, कुछ भी तो नहीं। मैं कहाँ आ गया हूँ और क्यों आ गया हूँ, कैसे आ गया हूँ और वो कहाँ चला गया, किधर गया वो, अरे कहाँ। ये क्या, कहाँ हूं मैं, शहर के बाहर, पहाड़ी के इस पार, तालाब के किनारे, और यहां भी हर ओर वही अंधेरा और उसी अंधेरे से स्तब्ध उसका पानी। मुझे क्यों लग रहा है जैसे जैसे
पानी की डरी हुई सतह पर हाँ, कोई अक्स उभर रहा है। अक्स, हाँ, बड़ा सा चेहरा, शायद मुस्कुरा रहा है। हाँ, मुस्कुरा रहा है, शायद पहचान बता रहा है, शायद पर मैं उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इस भयानक अंधेरे में भी ये पेड़, ये जंगल चमकने कैसे लगे हैं? पेड़ों के तनों पर बिजलियां नाचने लगी हैं, डालियां एक दूसरे से यूं क्यों टकराने लगी हैं? कितनी खतरनाक चुप्पी है ये, जबान खींच लेने वाली। फिर आ गया वो, आ गया फिर वो। कौन है, कौन है वहां? बोलते क्यों नहीं? बोलो कौन है, कौन है? अरे कहां गया वो तालाब? अरे कहां गया वो तालाब और उसका पानी? मेरा गला सूख रहा है। मैं किसी अंधेरी खोह में पड़ा हूं। अंधेरी, हाँ, कुछ दिख नहीं रहा। शायद लंबी और अंधेरी खोह है। कोई है क्या? कोई है? ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज पर कोई बड़ी चट्टान हिल रही है। हाँ, अरे हो, इस बड़ी बड़ी अंधेरी खो का द्वार खुल रहा है। द्वार खुल रहा है, हाँ, और इस अंधेरे को चीरती आ रही है एक जलती मशाल, लाल जलती मशाल, अंधेरे की छाती में घुपती मशाल। अजीब सा कोहरा छूट रहा है, लाल अंगारों जैसा कोहरा। हो ये कौन है? कौन है ये? रक्तालोक स्नात पुरुष, साक्षात रहस्य। अब उसका सिर कोहरे के बीच कितना साफ चमक रहा है। भव्य ललाट कितना चमत्कारिक और प्रभावशाली। हाँ, शायद वही है, वही, शायद क्या, एकदम वही है। वही मेरी अब तक न पाई गई अभिव्यक्ति। पकड़, ले चल उठा के, छोड़ना नहीं। अरे मैं कहाँ हूँ?
कहाँ हूँ मैं? वो मशाल कहाँ गई? कहाँ गई? बुझ गई हवा में? कैसे बुझ सकती है? किसने बुझा दी? लोग मुझे अंधेरे में पकड़कर कहाँ ले जा रहे हैं? ये हमारे लिए खतरनाक है। मारो इसे, मारो इसे। इससे पहले कि हमारी सत्ता के लिए चुनौती बने, खत्म करो इसे, पकड़ो इसे। Until death. ये क्यों 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 दी जा रही है मुझे मौत की सजा? मेरी आंखों पर किसने बांधी ये काली घनी पट्टियां? किस खड़ी पाई की सूली पर टांग दिया गया हूं मैं? ऐसा लगता है किसी शून्य के अंधियारे गड्ढे में गिरा दिया गया हूं मैं। ये तो वही तिलिस्मी खो है। साकल ये रह कर दरवाजे पर साकल ही तो बज रही है। सब शायद कोई मुझे बुला रहा है। हाँ, मुझे ही शायद कोई मुझे मेरी ही बात बताने आया है। अब क्या मैं उसे पहचानता हूँ? हाँ, पहचानता हूँ मैं पहचानता हूँ उसे जो बाहर खड़ा है इस घने कोहरे में। ये वही शख्स है जो मुझे उस तिलिस्मी खोह में देखा था। तो खोलना ही होगा दरवाजा। अपने घर का ये बंद दरवाजा खोलना होगा। खोलता हूं। अरे खुल जा। अरे बहुत रह चुका है तू बंद। अजीब बात है, बाहर तो कोई भी नहीं है, पसरा हुआ है सिर्फ अंधेरा, सर्द और खूंखार अंधेरा। कहाँ गया वो? कहाँ चला गया? कोई है? अरे मैंने दरवाजा खोल तो दिया, कहाँ चले गए तुम? है कोई? मैं सपना देख रहा हूँ या जगा हूँ? अंधेरे में फर्क करने की ताकत घटमट हो गई है मेरी। हाँ, उधर दूर क्षितिज के पार क्या है? क्या है? अरे एक छोटा सा जलता हुआ दिया है शायद। हाँ, वो एक दिया है। दिया ही है। हाँ, दिया है। अब आंखों को थोड़ी रोशनी मिल रही है। धीरे धीरे नजर आने लगा है। रोशनी हल्की है तो क्या हुआ? अंधेरे को तो चीर रही है ना। अब कुछ दिखने लगा है।
अरे ये तो सिविल लाइन्स है। मेरी वर्तमान कर्मस्थली, मेरा अनाम सा पता, और मैं अपने कमरे में हूं। ओहो, पता नहीं क्या, पर कुछ तो होने वाला है, कुछ असंभव, कुछ अशुभ, कुछ अनहोनी। वक्त क्या हुआ है? दिल्ली एक्सप्रेस है ये तो, रेलगाड़ी कितनी तेज चला रहा है ड्राइवर। डर लग रहा है मुझे, मुझे डर लग रहा है, इतनी तेज क्यों? अरे कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अजगर सी काली ट्रेन फुंकारती हुई दिल्ली जा रही है। जाती ही क्यों है? जाती क्यों है? ऊपर से भर भर कर क्यों जाते हैं इतने सारे लोग दिल्ली? कोई उनमें से उतरकर मेरे पास क्यों नहीं आ जाता है? वो कौन है? सफेद कपड़े, सफेद बाल। अरे रे 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 रे, ये तो टॉल्स्टॉय है। रुको, अरे रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, रुक जा भाई, सुनो। गहराए अंधेरे साए में ये सब क्या हो रहा है? अरे ये प्रोसेशन तो इधर ही आ रहा है, मेरी तरफ। काले काले पसीने से तर दैत्याकार लोगों का सांवला जुलूस, भूतों की तरह भयभीत करने वाला ये हुजूम। बाकी लोग कहाँ हैं? पूरे शहर में और कोई नहीं जाग रहा है? सब सोए हुए हैं। किसी अभिशप्त आत्मा की तरह सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ इस अंधेरे में, इस खूंखार जुलूस को देखने के लिए। सिर्फ मैं ये सब कहीं भूत पिशाच तो नहीं है? हाथों में मानव की सूखी हड्डियां, गले में खोपड़ी की मालाएं, ये कैसा प्रोसेशन है? ये तो किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा लगती है। निस्तेज आंखें, बड़े बड़े पेट, और इनकी शक्लें, ये तो पहचाने हुए से लगते हैं। हाँ, पहचानता हूं मैं इनको। अब मैंने शायद देखा है इन चेहरों को, याद आया, कल के अखबार में ही तो देखा था इनको। हाँ, याद आया, उस मोटे वाले का नाम, वो क्या, अरे अरे अरे, वो तो डोमा जी उस्ताद है। डोमा जी उस्ताद शहर का कुख्यात हत्यारा और स्मगलर, ये है इनका लीडर, इनका सरगना। रुक जाओ, खतरा। हम दुनिया की नजरों से छुप कर जा रहे थे, पर इसने हमें देख लिया। मारो मारो उसे।
नहीं नहीं, अरे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, नहीं छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो। बच गया, मेरी तो जान ही निकाल दी थी इन लोगों ने। अगर दोबारा देख लिया तो पता नहीं ये मृत आत्माएं, ये मुर्दा लोग मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। हाँ, ये अंधेरी रात खत्म क्यों नहीं होती? खत्म नहीं होती रात और आतंक की जबरदस्त पकड़ मेरे भीतर, मेरे अंदर, मेरे दिल दिमाग में बड़ी होती जा रही है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, सिद्धांतवादी मन, ये क्या सपना क्या फिर शुरू हो गया? ओ मेरे आदर्शवादी मन, सिद्धांतवादी मन, अब तक ये क्या किया? जीवन ये क्या जिया? दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में रात दिन रहना, जिंदगी निष्क्रिय ही बन गई तलघर, अब तक क्या किया? जीवन क्या जिया? बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत कम कम। ये इसने क्या गाया? ये क्या गाया इसने? मैं बेचैन क्यों होने लगा हूं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कहां जाऊं कहां जाऊं? इसका इलाज खोजने कहां जाऊं? दिल्ली या उज्जैन? उफ, ये सारी बदहवासी मैंने खुद पैदा की, खुद पैदा की है। मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, एकमात्र जिम्मेदार हूं इस सारी हालत के लिए। मुझे अपने से नफरत हो रही है। दिल्ली और उज्जैन जाने से क्या होगा, क्या होगा? कोई रो रहा है, शायद कोई रो रहा है। अब कहां? अब वहां है शायद, देखता हूं। उठो, अरे सुनो, उठो 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 उठो, अरे उठो, कोशिश करो तुम उठने की। हाँ, इधर इधर ऐसे 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 उठो। अरे पिताजी, आप? हाँ, मेरे होते हुए यहाँ पिताजी? पिताजी उठिए, उठिए उठिए पिताजी, भाग जा यहां से, परे हट जा। हम तो गुजर गए जमाने के चेहरे हैं, आगे बढ़ जा। पर इतना सुन ले, ये दुनिया कचरे का ढेर नहीं है जिस पर दाने चुगने के लिए चढ़ा बैठा कोई मुर्गा एक जोरदार ऊंची बांग देकर अंधेरे में सुबह का ऐलान करके मसीहा बन जाए। पिताजी, ये संभालो इसे, लो लो इसे ले लो, बोरे में ठंड के षड्यंत्र से इसको बचा पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रह गया था। अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो, कहां
गायब हो गए। चुप 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 हो जा बेटे, चुप 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 हो जा बच्चे, चुप हो जा, वरना मुझे डर है कि उनमें से किसी ने सुन लिया तो हम दोनों में से कोई बकाया नहीं रहेगा। चुप चुप हो जा बेटा, चुप चुप। हाँ, ये मेरे हाथ तो खाली हैं, खाली। बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ गया वो, कहाँ? अरे बच्चा नहीं है, और उसकी जगह ये सूरजमुखी के फूल कहाँ से आ गए मेरे हाथों में? अब इस अंधेरे में मैं कहाँ ढूंढूंगा उस बच्चे को? अरे 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 अरे, ये वो फूल कहाँ गए? ये तो हाथ में फल है, फल कहाँ गया? ये तो राय फल है। Examine him thoroughly. खोल ले इसकी खोपड़ी। कपाल की हड्डी कट नहीं रही है, रद्दा मारो इस पर। बता तू कौन है, तू कहाँ है? ये पूछो मैं कहाँ नहीं हूँ, कहाँ नहीं हूँ। छोड़ दो इसे, बाहर कर दो इसे। इसे इस तरह दबोचा नहीं जा सकता। ये तो कई जगह है। हाँ कई जगह, निकालो इसे, दूर करो इसे, बाहर कर दो। वो वहां है, लहू और लोहे के दरमियान पसीने से रिश्ता कायम कर रहा है। चढ़ाए जा चक्का। हाँ, चढ़ाए जा चक्का, पीटे जा घन, चढ़ाए जा चक्का, पीटे जा घन। अंधेरे में अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी कविता पर आधारित ये नाटक। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, मनोज माइनकर, मिलिंद देशपांडे और जैनेन्द्र सिंह। सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था और निर्देशक थे विनोद कुमार। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।